महोबा एक प्राचीन शहर, त्रेता में से कैकेयीपुर, द्वापर में रतनपुर, फिर पाटनपुर, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में से महोत्सव नगर और वर्तमान में से महोबा नाम से जाना जाता है। त्रेता युग में भगवान राम, माता सीता तथा लक्ष्मण जी ने गोरखगिरी पर्वत व इसके आसपास अपने वनवास काल का कुछ समय और इसी पर्वत पर नाथ संप्रदाय के योगी गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी। वही गुरु गोरखनाथ जिन्होंने त्रय राज्य की रक्षा में लगे पवन पुत्र हनुमान जी को बंदी बना लिया था। वही गुरु गोरखनाथ जिनके कहने पर महाबली आला ने दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया था। वही गुरु गोरखनाथ जिनके पीठ के महंत आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच बसे महोबा का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। यहाँ पर अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिनमें आला, उदल, ब्रह्मा, मलखान, सुल्खान और ठेबा प्रमुख हैं। यहाँ के योद्धाओं की वीरता के बारे में कवि जगनिक ने लिखा है, अरे बड़े लड़ैया महोबा वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक कुमारे दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए। कवि जगनिक द्वारा लिखी गई परमाल वासी, जिसका एक अध्याय आलाखंड पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। आज भी गांवों में सावन माह में इसका गायन किया जाता है। आला गाने वाले कलाकारों को अलहैद कहकर संबोधित किया जाता है। एक समय पर आलाखंड की ख्याति भारत भर में रामचरितमानस से भी ज्यादा थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना अंग्रेजों की ओर से लड़ रही थी, तो भारतीय सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आलाखंड के छंद सुनाए जाते थे। उसके बाद विश्व भर में जो वीरता का प्रदर्शन भारतीय सैनिकों ने किया, उसके सामने पूरा विश्व नतमस्तक हो। चंदेल वंश की स्थापना चंद्रदेव वर्मन ने 7वीं शताब्दी में की थी। उन्होंने ही जेजाग भुक्ति यानी आज का बुंदेलखंड की राजधानी को चंदेरी से महोबा स्थानांतरित किया था। चंदेल वंश के राजा वास्तुकला प्रेमी थे। उन्होंने अनेक मंदिरों, किलों का निर्माण कराया और यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पानी की समस्या को दूर करने के लिए संपूर्ण बुंदेलखंड में तालाबों, कुंडों, कुओं का निर्माण कराया, जिसमें महोबा में स्थित राहिल सागर, मदन सागर, विजय सागर, कल्याण सागर व कीरत सागर प्रमुख हैं। 1200-1300 साल पहले इतने उत्कृष्ट जल संसाधनों का प्रबंधन काल्पनिक समय था। आज के युग में इतनी आधुनिक मशीनों के होते हुए भी हम इस प्राचीन जल प्रबंधन को संचालित करने में भी असमर्थ हैं। और उन्होंने संपूर्ण प्रणाली का निर्माण उस समय किया था जब इस तरह की कोई आधुनिक मशीन भी नहीं थी। महोत्सव नगर यानी त्योहारों का शहर। यहाँ के राजाओं ने खजुराहो के मंदिर महोबा में खकरा मठ और सूर्य मंदिर व अनेकों संरचनाओं का निर्माण कर हम लोग बस कल्पना ही कर सकते हैं कि राजा परमाल के समय महोबा कितना भव्य और सुंदर रहा हो। और कल्पना से हटकर वास्तविकता में आज महोबा की स्थिति चलिए देखते हैं। नगर निकाय चुनाव निकट है, चुनौतियां सामने हैं। गंदगी, जल भराव, पथ प्रकाश, नालों की सफाई जैसी अनेक समस्याएं हैं। संविधान हमें अधिकार देता है चुनाव करने का, उस उम्मीदवार का जो हमारी समस्याओं का निस्तारण कर सके। सही उम्मीदवार को चुनना हमारा उत्तरदायित्व है और समस्याओं से रूबरू कराना जिम्मेदारी है जनहित में जारी की। आप भी हमारी आवाज़ बन सकते हैं। अपनी समस्याओं के फोटो व वीडियो क्लिक कर हमें व्हाट्सएप करें 7394-9838-45 पर। हम उठाएंगे आपकी समस्या और मिलकर कराएंगे
उनका समाधान। देखते रहिए जनहित में जारी, आपका अपना चैनल।